नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, जिसमें हम लोग इंडिया चाइना और चाइना भूटान जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही हैं, जो रिलेशंस चल रहे हैं, उनके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। यूपीएससी पीएससी और अन्य सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग भी अगर देखा जाए तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा और ये लेक्चर मेरे द्वारा होगा। मैं विरद आप लोगों का स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल सेलेक्शन मेंटर में। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप मुझे अनएकेडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं और सेलेक्शन मेंटर पे मैं हुई अनएकेडमी पे। विरद नाम से आप मुझे सर्च करेंगे, VIRAD विरद, दुबे DUBEY। तो अगर आप मुझे इस नाम से सर्च करेंगे तो आपको मैं अपनी प्रोफाइल के साथ मिल जाऊंगा। आप मेरी प्रोफाइल को फॉलो करिए और इम्पॉर्टेंट जो बहुत ही अच्छे अच्छे शानदार जो लेक्चर्स मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसको भी हम लोग वहाँ पर देख सकेंगे। और ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, इनमें किसी प्रकार की समस्या होने पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आपको मालूम ही है कि हमारे जो भारतवर्ष के जो पड़ोसी राज्य हैं उसमें बहुत सारे जो ऐसे लोग हैं, जैसे कि अगर हम देखे जाए पाकिस्तान की बात कर लेते हैं, चीन की बात कर लेते हैं, नेपाल की बात कर लेते हैं, उसके बाद भूटान की बात कर लेते हैं, तो ये सब कुछ पड़ोसी राज्य ऐसे हैं। बांग्लादेश की बात कर लेते हैं, म्यांमार की बात कर लेते हैं। तो प्रेजेंट टाइम में ये जो चार कंट्रीज़ हैं ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में हैं, बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में हैं। क्यों हैं बहुत ज़्यादा न्यूज़ में, उसका कारण भी आप लोगों को मालूम होगा। पाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशंस कभी भी अच्छे नहीं होते हैं, हमेशा जो है कटु संबंध दिखाई देते हैं। वे हम पर जो है आतंकवादी गतिविधियों की सहायता से हमारे ऊपर दबाव बनाने का प्रयास करते हैं। चीन इसमें पाकिस्तान का काफ़ी सहयोग करता है और इस समय चीन जो है वो भारत के साथ फ्रंट में है। चीन ने जब भारत को दबाने का प्रयास किया और जब भारत ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है डिप्लोमेटिक तरीके से, तो उसने नेपाल और भूटान जैसे देशों की भी सहायता ली है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग यही कुछ पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से ये सारे काम कर रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत और चीन के रिलेशंस कैसे थे या कैसे हैं। भारत और चीन के रिलेशंस अगर देखा जाए तो मुंह में राम बगल में छुरी वाली कहावत की तरह ही हैं। और अगर हम देखें तो चीन ने हमारे साथ कई बार युद्ध आरोपित किए हैं, लगभग 4 बार तो युद्ध हुए हैं, जिसमें से 4 बार युद्ध की कंडीशंस तो बनी हैं, जिसमें से 2 बार तो युद्ध हुए भी हैं। और आप लोगों को मालूम है कि ये वॉर्स हुए हैं 1962 एंड 1967। और ऑब्वियस सी बात है कि 1947 में जब हम आज़ाद होते हैं और उसके कुछ ही साल बाद 1962 में जब हमारे ऊपर ये वॉर जो है वो फोर्स किया जाता है या हमारे ऊपर आरोपित किया जाता है, तो हम इस युद्ध के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं। ऑब्वियस सी बात है हमारे पास में वेपन्स नहीं हैं, अंग्रेज़ हमसे बहुत सारी चीज़ें जो वेपन्स के रूप में थे वो सब ले गए, ख़राब से वेपन्स पड़े हुए हैं। और इस तरीके से आकस्मिक कह सकते हैं कि हमले के लिए हम लोग तैयार नहीं थे। सो हुआ ये कि हम 1962 में युद्ध जो है वो चीन से हार जाते हैं। और इसके कारण जो है अगर आप देखेंगे, अभी मैं मैप आपको दिखा दूंगा आगे, तो अक्साई चीन का जो हिस्सा है, अक्साई चीन का जो हिस्सा है वो चीन के पास चला जाता है और यहाँ पर अब चाइना का एडमिनिस्ट्रेशन है। तो अब ये विवाद यहीं से शुरू होता है इसी प्रकार से। हालांकि 1967 में भी एक वॉर हुआ था और चाइना ने हमें और ज़्यादा जो है दबाने का प्रयास किया, लेकिन अब हम युद्ध के लिए तैयार हो चुके थे और हमने उन्हें बुरी तरीके से पराजित भी किया। 1967 में पराजित करने के बाद से लेकर के आज तक चीन आमने सामने का युद्ध नहीं कर सका है, या तो चीन जो है अपने संगी साथियों के साथ मिलकर के, और जिसमें से सबसे बड़ा साथी जो है वो पाकिस्तान है, उसके साथ मिलकर के भारत को परेशान करता रहा है। तो यहाँ पर हम यही देखेंगे कि चीन जब भारत से हार जाता है तो अब ऐसा क्या कदम उठा रहा है, क्यों उठा रहा है। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर यह है कि चीन जो है वो एक विस्तारवादी नीति वाला देश है, अर्थात वो ये चाहता है कि लगातार उसकी जो कंट्री है उसकी कंट्री में, उसके देश में, उसके देश का विस्तार हो। और विस्तार किन क्षेत्रों में हो, अगर आप इसे देखें तो फिजिकली, यानी कि अगर देखा जाए क्षेत्रफल के आधार पर ये विस्तार चाहता है, इसके अलावा व्यापारिक विस्तार चाहता है। व्यापारिक विस्तार का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि ट्रेड में अगर देखा जाए तो यूरोपियन और वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं उन उनके ऊपर मोनोपोली करना चाहता है, और काफ़ी हद तक अगर एशियन कंट्रीज में देखा जाए तो ट्रेड के मामले में अगर देखा जाए तो नंबर वन पर अगर देखा जाए तो चीन है। तो इस तरीके से वो चाहता है कि पूरा विश्व जो है ट्रेड व्यापार को लेकर के उसके ऊपर डिपेंड हो, एक बहुत ही बड़ा
व्यापक इसके पास में क्षेत्रफल वाला एक ये देश बने। हालांकि तब भी बहुत बड़ा देश है ये, विश्व के बड़े देशों में इसका नाम है, तो इसके बावजूद भी वो ये सारे काम कर रहा है। विस्तारवादी चीन की अगर हम बात करते हैं तो वो अपने इस नीति का पालन करने के लिए या इस सपने को पूरा करने के लिए वो समय दर समय भारत से उलझता रहता है, और इस बात भी उसने भारत से ही पंगा लिया है। और न सिर्फ भारत से जबकि अन्य कई पड़ोसी देश हैं उसके साथ में, उनसे भी इसने जो है अपनी तनातनी बना रखी, अपने संबंध खराब कर रखे हैं। और आश्चर्य की बात तो ये है कि 2019 की अगर हम बात करते हैं, ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ 2019 एंड फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ 2020 टिल नाउ, होल वर्ल्ड इज सफरिंग फ्रॉम द पेंडेमिक कोरोना वायरस, यानी कि कोविड-19, एंड स्टिल देन ये चीन जो है वो पूरे विश्व में इसकी सीरियसनेस को ना देखते हुए अपने जो विस्तारवादी जो नीति है उसका विस्तार लगातार करता जा रहा है, यानी मानवता की इसको कोई भी चिंता नहीं है। और अगर देखा जाए तो बड़ी कंट्रीज में, सबसे बड़ी कंट्रीज में अगर हम अमेरिका को देखते हैं, तो अमेरिका काफ़ी हद तक अगर इस समय देखा जाए तो अमेरिका और चीन के रिलेशंस खराब हो चुके हैं, कहा जा सकता है भारत से भी कहीं ज़्यादा। और WHO के साथ मिलकर चीन ने कोरोना वायरस की अहम जानकारियां जो थीं वो छुपाई हैं, ऐसा आरोप भी अमेरिका ने चीन पर लगाया है। तो ये जो नीति है ड्रैगन की, ये जो तरीका है ड्रैगन का, ये अमानवीय है पूरी तरीके से। इस तरीके से कहा जा सकता है कि पूरे विश्व में अपने आप को सर्वोच्च लाने का, पेंडेमिक जैसी जो, कोरोना जैसी जो बीमारी है, इसका फायदा उठाते हुए ये सब काम करना, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। तो इसके लिए ड्रैगन को काफ़ी कुछ भरपाई करनी पड़ सकती है। तो देखते हैं कि भारत चीन संबंध जो है आजकल जो है वो किस चीज़ को लेकर के, वर्तमान में उसके रिलेशंस किस तरीके से हैं। यहाँ पर एक मैप देख पा रहे होंगे आप। इस मैप में मैं एक एरिया ड्रॉ कर रहा हूँ, ये मैं एरिया ड्रॉ कर रहा हूँ, जस्ट इट इज़ लाइक दिस। यहाँ से ये जो मैं रेड स्पॉट वाली जो लाइन मैं आपके सामने कह रहा हूँ, ये जो मैंने आपके सामने ये जो ड्रॉ करी है, ये वाली जो लाइन, इस लाइन पे आप फोकस करेंगे। ये जितनी भी लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये वाली जो, ये जो बाउंड्री आपको दिख रही है, ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी कि LAC, दिस इज LAC। और इंडिया जो है मैं आपको दूसरे कलर से यहाँ पे ड्रॉ करके दे दे रहा हूँ। ये जो इंडिया जो है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि भारत जो है वो, उसकी वास्तविक सीमा कभी यहाँ पर हुआ करती थी, ये कभी वास्तविक सीमा हुआ करती थी। जो ग्रीन कलर से मैं आपको ड्रॉ कर रहा हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रेड वाला है इधर, ये रेड वाला थोड़ा सा गलत हो गया, ये ग्रीन वाला हिस्सा बना दे रहा हूँ मैं, इसके ऊपर ग्रीन कर दे रहा हूँ ऐसे, ये थोड़ा सा ऐसा गलत हो गया है। ये जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल नहीं है, ये कभी रियल बाउंड्री हुआ करती थी। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल अब यहाँ से इसके आगे अगर आप देखोगे तो ये आपको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यहाँ पर दिखाई देगा, जो मैं रेड लाइन से यहाँ पर बना रहा हूँ आपके लिए, ये अब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, ये वाली है, रेड वाली है। ऊपर जो ग्रीन कर दिया मैंने वो थोड़ी गलती से हो गया है। तो फाइनली आप इस, ये जो रेड वाली लाइन देख रहे हैं, इसके वेस्टर्न पार्ट में अगर आप देखोगे, पश्चिमी हिस्से में देखोगे तो ये भारत का हिस्सा है, और इसके ईस्टर्न पार्ट में देखोगे तो ये जो पूरा हिस्सा आप देख सकते हैं कि शेडेड पार्ट में जो दिख रहा है, ये अक्साई चीन है, आपको दिख रहा है यहाँ पर अक्साई चीन है, ये चाइनीज एडमिनिस्ट्रेशन में। इसी में बहुत ही फेमस कह सकते हैं जो इस समय इन न्यूज जो पॉइंट है, दैट इज गलवान वैली। ये गलवान वैली है यहाँ पर, इस जगह पर, ये रेड स्पॉट में बना रहा हूँ, ये गलवान वैली है। तो जब पहले वॉर हुए थे चाइना के साथ में, तो इसी जगह पर ये जंग हुई थी, इसी जगह पर, ये गलवान घाटी पर ही ये जंग करी गई थी। तो अगर आपको देखना है गलवान घाटी कहाँ है, तो ये आपको दिख गया होगा कि यहाँ पे गलवान रिवर बहती है, उसी की घाटी को हम लोग गलवान घाटी कहते हैं। और सामरिक दृष्टि से ये महत्वपूर्ण क्यों है, ये आपको दिख ही रहा है कि इसके ठीक पहले यहाँ पर ये चाइना के द्वारा कब्जा किया गया एरिया है, और इसके ठीक इधर ये जो इंडिया का एरिया है, चाइना अभी भी चाहता है कि और बड़े एडमिनिस्ट्रेशन के एरिया को इंडिया में कवर, इंडिया से लेकर के अपने में कवर कर ले। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर तनातनी हमेशा बनी रहती है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट, और अच्छा एक ही एक चीज़ और लगे हाथ में आपको दिखा देता हूँ कि अगर मैं यहाँ से ड्रॉ करता हूँ तो ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड LAC, LOC,
ये लाइन ऑफ कंट्रोल है, और इसके पीछे का जो ये हिस्सा आप देख रहे हैं, गिलगेट पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन का ये हिस्सा है, ठीक है। और अभी आप लोगों को मालूम है कि इस तरीके से इसी वजह यही यही वजहें हैं मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो यही वजहें हैं जो इधर से चीन की तरफ से और इधर से पाकिस्तान की तरफ से भारत को परेशान करती हैं, बार बार ये लोग हमें परेशान करते हैं। तो अभी क्या हुआ है, रिसेंटली क्या हुआ है, अगर देखा जाए तो 1 महीने पहले, लगभग लगभग एक 1.5 महीने का समय हो रहा है, 1-1.5 महीने पहले जो विवाद चल रहा था, इस विवाद में ये विवाद क्यों चल रहा था कि विवाद जो है भारत द्वारा बनाए गए एक सड़क को लेकर के है, और ये सड़क कहाँ से है ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ये भारत के गालवन घाटी के दुरबुक से लेकर के दारुल बेग ओल्ड तक ये सड़क का निर्माण किया गया था, जिसको लेकर के या किया गया है, इसको लेकर के जो है चाइना ने लगातार विरोध किया है। अगर आप यहाँ पर मैप में देख पा रहे होंगे तो ये जो ये वो सड़क है, आप देखिए यहाँ पर लिखा भी है, ये वो सड़क है जिस पर, ये जो ब्लू लाइन वाली सड़क आपको दिख रही है, ये वो सड़क है जिस पे जो है चाइना को आपत्ति है, एतराज़ है, क्योंकि वो मानता है कि यहाँ तक का जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये हिस्सा भी वो मानता है कि वो आपका जो है चाइना का है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने मैप में आपको दिखाया कि इसके वेस्ट साइड का जितना भी हिस्सा है वो सब भारत का है। इनफैक्ट ये भी हमारा कभी हुआ करता था, इन्होंने युद्ध में इसको जीत लिया है, तो हम इस पर अपनी दावेदारी कर सकते हैं अगर देखा जाए तो। तो सड़क का निर्माण कर रहा है, और चीन का कहना है कि ये क्षेत्र उससे उसके हिस्से में आता है, और दारुल बेग ओल्ड भारत के अक्साई चीन के इलाके से लगा है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये चीन का हिस्सा नहीं है, जबकि चीन इस पर जो है वो क्या कर रहा है, कब्जा कर रहा है। अब देखिए यही विवाद का विषय है, लोग यहाँ पर बाउंड्रीज एरिया में सड़क का निर्माण क्यों कर रहे हैं, उसका शुरुआत भी अगर देखा जाए तो चीन ही करता है। चीन जो है बाउंड्रीज एरिया पर अगर देखा जाए तो बहुत तेजी से रोड्स का या इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स का निर्माण करता है जो आपत्ति या विशेष युद्ध की स्थिति में उसकी सहायता कर सकते हैं। तो इस तरीके से तो इंडिया को भी करना चाहिए अपनी सीमा की रक्षा करने के लिए, और ऐसा ही इंडिया यहाँ पर सड़क बना करके कर रहा था, जिसको जिसके लिए इसने आपत्ति दर्ज कराई, और इसको लेकर के फिर बहुत ज़्यादा टेंशन हुई, और दोनों तरफ से जो कह सकते हैं आर्मी हाई कमान के जो लोग हैं उनके बीच बातचीत होनी शुरू हुई। बातचीत हो ही रही थी कि अगर देखा जाए तो 15 जून को भारतीय सेना के साथ चीनी सेना की झड़प हुई, जिसमें करीब 20 लोग जो है, 20 जवान जो है वो गलवान घाटी में इस झड़प में कह सकते हैं अपनी जान खो बैठे, शहीद हो गए। और इसमें हालांकि चाइना के भी बहुत सारे सैनिक मारे गए, लेकिन हमने अपने काफ़ी सारे सैनिक खोए। लेकिन अगर देखा जाए तो ये जो शुरुआत है ये और पहले हुई है, ये शुरुआत तो अगर देखा जाए तो और पहले हुई है। इसको अगर जरा मैप में देखते हैं एक बार, तो देखिए 5 मई को ये पहली झड़प हुई थी, जिसमें पैंगोंग झील जो लद्दाख की है वहाँ पर चीनी कह सकते हैं कि सैनिकों की तरफ से भारतीय अफसर को, यहाँ पर आपको देख सकते हैं पैंगोंग लेक दिखाई दे रहा है ये, ठीक है। तो ये चीनी कह सकते हैं कि सेनानियों ने या सैनिकों ने भारत के एक अफसर और 2 अन्य भारतीय सैनिकों को कह सकते हैं शहीद किया था। तो इसके बाद से लेकर के झड़प काफी तेज हो गई, 5 मई की ये बात है। और अब आगे की बात अगर करी जाए, आगे की अगर बात करी जाए तो 9 मई को दो बड़ी घटनाएं घटती हैं, एक आपका यहाँ पर नाथुला सेक्टर में, एक आपका यहाँ पर नाथुला सेक्टर है, देखिए लिखा है नई 9 मई को एक झड़प जो है दूसरी होती है, और 9 मई को ही यहाँ पर भी एक झड़प होती है लद्दाख के पास में। तो इन यहाँ पर क्या होता है कि ये झड़प नहीं होती है, यहाँ पर ये फाइटर प्लेन्स जो हैं आ गए थे चाइना के इस LAC की तरफ, और यहाँ पर उसी दिन 9 मई को ही नाथुला सेक्टर में भी सैनिकों के साथ भिड़ंत होती है। तो इन सब चीज़ों से टेंशन और बढ़ी है, और फाइनली जो है अगर देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि इससे पहले अगर 2017 में बात किया जाए तो डोकलाम को लेकर के चीन के साथ काफ़ी तनातनी रही थी, और अब फाइनली जो है अगर देखा जाए तो 15 जून को इन्होंने क्या किया है कि भारत के ऊपर हमला किया है। आपस में कुछ चीन की तरफ से कुछ पोस्ट बनाई जानी शुरू की गई, भारतीय खेमे से अधिकारी वहां पर उन्हें समझाने मना करने गए, और वहां पर उनके साथ जो है झड़प की गई, जिसमें 20 जवान भारत के शहीद हुए थे। इसके बाद से तो इंडिया बहुत ज़्यादा तेज एक्शन में आ गया, और चीन को पूरी तरीके से सबक सिखाने की बात हो गई हर तरीके से, डिप्लोमेटिक तरीके से। आपने देखा कि उसके बाद भारत में एक कह सकते हैं कि
स्वावलंबन भारत जो है, या यूं कह सकते हैं कि सेल्फ डिपेंडेंट इंडिया जो है, उसकी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कही, जिससे चीन के ऊपर भी काफ़ी प्रभाव पड़ा है या पड़ेगा आगे चल करके। और 5 जुलाई को, ये बड़ी बात है कि 5 जुलाई को भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी को टेलीफोन पे बातचीत करी, और करीब 2 घंटे के आपस की बातचीत के बाद, ये आपको यहाँ पर फोटो में दिख रहे हैं, श्री अजीत डोभाल जी हैं ये, और ये चाइना के वांग यी हैं जो वहाँ के विदेश मंत्री हैं। तो इनके बीच करीब 2 घंटे की जो बातचीत होती है, उसमें चीन जो है अपनी सेना को एलएसी से पीछे हटाने की बात करता है, और 2 दिन बाद, 5 जुलाई से 2 दिन बाद, 48 घंटे के भीतर अगर देखा जाए, तो चीनी सैनिकों ने अपनी जो सेना है वो करीब 1 से 2 किलोमीटर तक पीछे कर ली है। लेकिन ये कोई पहली बार नहीं है, चीन ने पहले भी ऐसे किए हैं। 1967 का वॉर भी इसी तरीके से हुआ था। 1967 के वॉर की अगर हम बात करते हैं, तो उसमें भी ऐसे ही चीन ने अपनी सेना को पीछे खींच लिया था, और फिर 2-3 महीने बाद उन्होंने इंडिया के साथ वॉर क्रिएट किया। तो इंडिया जो है अब यहाँ से अपनी सेना अभी फिलहाल हटाने के मूड में नहीं है, क्योंकि चाइना के साथ ऐसी चीज़ें पहले भी हो चुकी हैं। तो इस तरीके से अगर देखा जाए, तो लद्दाख मामले में तो चाइना हो गया है अब पीछे, और अब ये कहा जा सकता है कि चाइना इस कंडीशन में नहीं है कि वो हमसे युद्ध कर सके। फिलहाल तो ऐसा ही देखने में लगता है, और शायद कुछ हल निकलता हुआ दिखता है। तो फिर क्या चीन शांत हो गया है? लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चीन ने डायरेक्टली जो इंडिया को यहाँ पर डराने धमकाने और पीछे हटने की बात इंडिया से जो करी, वो उससे नहीं बनी। तो अब चीन ने दूसरे रास्ते खोजे हैं, और भारत के 2 सबसे अच्छे और खास पड़ोसी भूटान और नेपाल को उसने निशाना बनाया है भारत के लिए, या यूं कह सकते हैं कि इनके कंधे पर रख करके वो निशाना लगाना चाहता है इंडिया को। नेपाल से अभी कुछ दिन पहले ही नक्शे को लेकर के, जो नया नक्शा नेपाल ने जारी किया था, जो पीके शर्मा ओली की जो सरकार है उनकी तरफ से, वो काफ़ी विवादित था। यहाँ पर वो नक्शा मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, आप इसे देख सकते हैं। इसमें उन्होंने काला पानी, लिम्पिया धुरा और लिपुलेख की जो जमीन है उसे नेपाल ने अपना बताया है, जबकि ऐसा नहीं है। और इन तीनों जगहों को लेकर के पूर्व में कभी चीन नेपाल के साथ कोई विवाद नहीं हुआ। हालांकि इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो आपके लिए बना दूंगा कि इंडिया नेपाल मैप को लेकर के क्या डिस्प्यूट्स थे और क्यों थे, उसके बारे में मैं अलग से आपको बता दूंगा। लेकिन ये काम पहली दृष्टि में अगर देखा जाए, तो ये नेपाल के खुद की सोच नहीं लगती है। इसके पीछे काफ़ी बड़ी सोच जो है वो चीन की काम करती है, और उसके पीछे बड़ी बात ये है, क्योंकि चीन में जो वर्तमान सरकार केपी शर्मा ओली की है, वो नेपाल, ये क्या नाम है, चाइना सपोर्टिव है, चाइना से सपोर्ट के द्वारा ये बनी हुई है। और फिलहाल तो इनकी सरकार काफ़ी संकट में भी दिख रही है, अगर करंट न्यूज़ अगर आप लोग देख रहे होंगे। और इसमें जो 3 शब्द यूज़ किए गए हैं, काला पानी, लिम्पिया धुरा और लिपलेख, इनको भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये लिम्पिया धुरा है, ये काला पानी जगह है जिसको नेपाल ने अपने नक्शे में बताया है, और लिपुलेख जो है ये भी, इन्होंने लिपुलेख कभी उनका था भी नहीं तब भी। तो इस इन 3 चीज़ों पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो इस तरीके से चीन जो है वो नेपाल के रास्ते भारत को परेशान करने का प्रयास कर रहा था। हालांकि यहाँ पर भी कुछ खास दाल गली नहीं है, क्योंकि चीन नेपाल में खुद काफ़ी ज़्यादा इसका विरोध हुआ है। तो अब वर्तमान समय में जो सबसे बड़ी बात है, वो चीन भूटान को मुख्य हथियार बना रहा है भारत के लिए, और किस प्रकार से बना रहा है उसको जरा देखते हैं। अगर हम भूटान के मैप को देखेंगे, तो भूटान के मैप के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, तो इंडिया जो है, इस तरीके से मान लेते हैं कुछ भूटान का मैप है, तो भूटान का जो ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, यानी कि वेस्ट नॉर्थ वेस्ट एरिया जो है, नॉर्थ वेस्ट एरिया को लेकर के तो चीन के भूटान के साथ डिस्प्यूट्स होते रहे हैं। लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो डिस्प्यूट है चाइना का भूटान के साथ, वो ऐसी जगह को लेकर के है जो मतलब काफ़ी हद तक इम्पॉसिबल है कि चीन के साथ भूटान का ये डिस्प्यूट तो कभी पहले था भी नहीं और हो भी नहीं सकता है। अब बड़ी बात यहाँ पर क्या है कि चीन और भूटान के साथ अगर देखा जाए, तो किसी प्रकार के राजनयिक संबंध भी नहीं है, यानी कि कोई ट्रीटी वगैरह कुछ इस तरीके की चीज़ें नहीं हैं। लेकिन फिर भी इनकी आपस में वार्ताएं होती रहती हैं। 1984 से लेकर के 2016 के बीच चाइना एंड भूटान के बीच 24 टाइम्स बाउंड्री को लेकर के वार्तालाप हो चुके हैं, मीटिंग्स हो चुकी हैं, लेकिन इनमें में से कोई भी मीटिंग जो है वो पूर्वी हिस्से को लेकर के नहीं थी। जबकि इस समय जो विवाद चल रहा है वो साक्तेंग वन्य जीव अभयारण्य को लेकर के चल रहा है, जिसके बारे में ये कहा गया है कि चीन ने इस पर अपनी दावेदारी करी है, और ये हिस्सा यहाँ पर पड़ता है।
ऑब्वियस सी बात है कि ये कतई गलत है, लेकिन चीन ने तो जैसे आपसी देशों आसपास के जो देश हैं उनसे पंगा लेने की कसम खा रखी है। यहाँ पर आपको मैप में साफ साफ दिख रहा होगा, आप देखिए ये आपका अरुणाचल प्रदेश का भारत का हिस्सा है और ये आप भूटान देख रहे हैं डिफरेंट कलर से, ये सिक्किम का हिस्सा है, ये असम का हिस्सा है और ये वो जगह है जहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिस पर जो है अभी हाल ही में 2020 में अगर देखा जाए तो यूएनडीपी जीईएफ फंडिंग पर भी इसने रोक लगा दी थी चाइना ने इस जगह के लिए। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ग्लोबल एनवायरमेंटल फंडिंग है ये यूएनडीपी की, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की तरफ से। तो इस पर भी रोक लगाते हुए उसने रोक क्यों लगाई, उसने कहा है कि ये हिस्सा हमारा है और इसको क्लियर किया जाए कि हमारा हिस्सा है, तब मैं इससे आगे जाकर कुछ कर सकता हूँ। तो ये तो कतई हो ही नहीं सकता क्योंकि आप यहाँ पर हैं, चीन चीन की बाउंड्री यहाँ पर समाप्त हो जाती है, इसके बाद ये अरुणाचल प्रदेश की बाउंड्री, इतने किलोमीटर भीतर जा करके आपका ये हिस्सा कैसे हो सकता है? मतलब ये तो बिल्कुल ही दादागिरी वाली जैसे बातें कर रहे हैं, चीन बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है। अगर आप इस एरिया में यहाँ कहीं पर अपनी दावेदारी करते हैं तो एक पल के लिए मुझे समझ में आता है कि हाँ बाउंड्री अटैच हो रही है, किसी प्रकार से यहाँ पर डिस्प्यूट क्रिएट किया जा सकता था या हो सकता है, ये तो डिस्प्यूटेड एरिया बिल्कुल भी हो ही नहीं सकता, लेकिन ऐसा क्यों किया जा रहा है वो आपको साफ साफ दिख रहा होगा, बगल में उसके द्वारा विवादित भारतीय प्रांत है अरुणाचल प्रदेश। तो क्या वो भारतीय क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश पर अधिकार करना चाहता है या फिर इसके पीछे कुछ और रीजंस भी हैं, इसको जरा देखते हैं। चीन के साथ भूटान का इस जगह को लेकर पहले कोई विवाद नहीं हुआ है, ये काबिले गौर है, और ना ही कभी कोई चर्चा हुई है, और जानबूझ करके ऐसा काम वो लगातार कर रहा है। तो अब बात आती है इसके पीछे कारण क्या है, इन सब के पीछे मुख्य वजह है दक्षिण एशिया के सबसे मजबूत देश भारत को युद्ध के लिए उकसाना। अभी आपने देखा कि उसने युद्ध के लिए उकसाया लेकिन उसे ही मुंह की खानी पड़ी और उसे मैदान छोड़ करके पीछे भी जाना पड़ा। तो यहां पर देखा जाए तो अब दूसरा रास्ता यहां पर वो अपना रहा है भूटान को लेकर के। 1962 के युद्ध के दौरान भी अगर देखा जाए तो यहां पर एक बात निकल करके सामने आती है कि बोमडिला जो कि अरुणाचल प्रदेश के हिस्से में आता है, यहां तक जो है ये लोग युद्ध करते हुए प्रवेश कर चुके थे। इसका मतलब अरुणाचल प्रदेश पर नजर इनकी 1962 से है और अपनी ये इच्छा वो भूटान के माध्यम से पूरी करना चाहते हैं। तो ये है मेन नियत जो है वो इस प्रकार की दिखाई देती है चाइना की, लेकिन ऐसा शायद वो मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता है कि वो ऐसा कर पाएगा। रीजन क्या है उसके पीछे, अगर चीन भूटान के किसी भी प्रांत को लेकर अपनी दावेदारी करता है तो वह भारत को किस प्रकार से उकसा रहा है, इसका अगर क्वेश्चन आपसे मन में उठ रहा है तो उसका क्वेश्चन का आंसर है भारत भूटान शांति समझौता 1949। तो इंडो भूटान कह सकते हैं कि पीस ट्रीटी है जो 1949 में हुई थी, उसके आर्टिकल्स में लिखा हुआ है कि भारत और कह सकते हैं भारत और भूटान जो हैं वो आंतरिक मामलों में एक दूसरे के प्रति हस्तक्षेप नहीं करेंगे, हालांकि इसमें सलाह मशवरा यदि अगर कोई चाहता है तो कर सकेगा, ले सकेगा, परंतु यदि अगर भूटान की तरफ से देखा जाए तो उनके जो विदेशी मामले हैं और जो रक्षा संबंधी या सैन्य मामले जो हैं उसमें भारत की सलाह मतलब रहेगी और भूटान को भारत की सलाह से कार्य करना होगा। और ऐसा इसलिए करा गया है क्योंकि इसमें एक ट्रीटी हुई है भूटान और इंडिया के बीच में कि हम लोग एक दूसरे देश की जो सीमा सुरक्षा है उससे संबंधित जो भी बातें हैं उसको हम ध्यान रखेंगे, ये विदेशी नीति के अंतर्गत आता है, सुरक्षा नीति के अंतर्गत आता है। अगर मान लेते हैं कि चीन जो है वो भूटान पर हमला करता है और भूटान अपनी सारी मुसीबतें इंडिया से साझा नहीं करता है तो इसका अर्थ ये हो सकता है कि भूटान अपनी सीमाएं शायद किसको दे बैठेगा, ये चीन को दे पड़ेगा और इसकी वजह से भारतीय सीमा के जो प्रांत हैं उनको खतरा हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सारा काम इसलिए हुआ है कि इन्होंने इंडिया को इनवाइट नहीं किया। इसका मतलब अगर चीन इस तरीके की हरकत यहाँ पर करता है तो इट मीन्स इंडिया वुड बी इनवाइटेड बाय द भूटान इन दिस मैटर, और अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब ये हो गया कि इनडायरेक्टली इंडिया जो है वो चाइना से वॉर की कंडीशन में आएगा। इनफैक्ट अगर ये सारी चीज़ें होती हैं तो चाइना जो है वो वॉर क्रिएट करना चाहता है, वो उकसा रहा है भारत को किसी न किसी माध्यम से सीमा विवाद को लेकर के। तो आखिर चीन जो है वो इस तरीके की चीज़ें क्यों कर रहा है, वो अपने पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते क्यों खराब कर रहा है? इनफैक्ट देश की दुनिया की जो महाशक्तियां हैं जैसे अगर देखा जाए तो अमेरिका है सबसे बड़ी तौर पर, उससे उसने पंगा ले रखा है, उसके खिलाफ है वो,
और रूस से भी इसी बीच, अभी आपने देखा था कि हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी जो है वो रूस से मिलने गए थे, और उन्होंने रक्षा संबंधी सौदों की जो डील करी है वो नहीं चाहता था चीन की इसको, इस डील को पूरा किया जाए, लेकिन क्योंकि वो डील पूरी हुई तो उसने रूस जैसी कंट्रीज को भी धमकी दे रखी है, तो रूस ने भी उनको दो आंख दिखा दी है। तो इस तरीके से उसने अपने बड़े पड़ोसी देशों के साथ छोटे पड़ोसी देशों के साथ बड़े पड़ोसी देशों से भी उलझ रखा है। इन सब के पीछे उसका पूरा का पूरा एक रीजन समझ में आता है कि शायद उसके मन में कुछ ऐसी शक्ति, ऐसी बात चल रही है कि जो वेस्टर्न अगर देखा जाए तो अमेरिका को लेकर के देखते हैं अगर हम ये बात, तो पश्चिमी जो देश हैं वो कहीं ना कहीं विश्व में महाशक्ति का रुतबा रखते हैं, और ये रुतबा अब चीन पाना चाहता है, और वो चाहता है कि पूरे दुनिया जो है उसके अनुसार चले, और इसी वजह से वो महाशक्ति बनने का प्रयास कर रहा है, और ये सारे प्लेटफॉर्म्स वो इसीलिए बना रहा है। लेकिन क्या सच में ये प्लेटफॉर्म चाइना को सुपर पावर बनने देंगे, या फिर ये सारे प्लेटफॉर्म पूरे वर्ल्ड को वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ ढकेल देंगे, चीन की हरकतें जो हैं वो यहाँ तक ले जाएंगी, इस पर हम लोगों को विचार करना है, नज़र रखना है और समझना है। चीन की इन्हीं हरकतों की वजह से पूरे विश्व को काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा कि पूरा विवाद क्या है, चीन का विवाद क्या है, नेपाल का विवाद क्या है, और भूटान का विवाद क्या है इंडिया के साथ में। और अगर इससे रिलेटेड आपको किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी चाहिए या कोई डाउट हो आपके मन में, तो आप बेझिझक मैसेज कर सकते हैं नीचे, आप हमारे नंबर्स पर व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ आप जो नीचे कह सकते हैं चैट बॉक्स है, आप उस पर भी करके क्वेश्चन कर सकते हैं। और दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ अभी थोड़ी देर और, क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंटली यहाँ पर देने वाला हूँ। मैं आप लोगों को अनअकैडमी पर भी पढ़ाता हूँ, और अनअकैडमी पर मैं प्लस एजुकेटर हूँ, तो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि अनअकैडमी पे प्लस एजुकेटर होने के नाते एक, अगर आप प्लस स्टूडेंट बनते हैं, प्लस का कोर्स सब्सक्राइब करते हैं, तो आपको क्या बेनिफिट्स मिल सकती हैं। हियर आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट बेनिफिट्स ऑफ दिस प्लस कोर्सेज ऑन अनअकैडमी। द फर्स्ट वन इज शेड्यूल्ड कोर्स स्ट्रक्चर्ड, इट मीन्स कि आपको पूरा का पूरा जब भी कोई व्यक्ति कुछ कोर्स पढ़ाता है तो वो उसमें क्या पढ़ाने वाला है, कब पढ़ाने वाला है, कितने घंटे का लेक्चर होगा, ये सारी चीज़ें आप लोगों को प्रीवियसली शेड्यूल्ड मिलती हैं। जबकि अगर आप फ्री क्लासेस लेते हैं अगर अनअकैडमी की, तो उसमें जब भी जिसका जो मन होता है वो पढ़ाता है, तो ये अनशेड्यूल्ड क्लासेज हैं, वाइल दीज आर द शेड्यूल्ड क्लासेज, वेरी शेड्यूल्ड वेल मैनेज्ड क्लासेस। सो दिस इज़ द वेरी बिग आई कैन से फैसिलिटी ऑफ दिस प्लस अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन। अनदर वन इज डाउट क्लियरिंग सेशन, एंड अगर आप किसी भी प्रकार से क्लास कर रहे हैं, डिटेल्ड क्लासेस होती हैं, कोई डाउट होता है, तो आपको 2 से 3 क्लासेस या 3 से 4 क्लासेस करने के बाद एक डाउट क्लियरिंग सेशन की क्लास मिलती है। रिलेटेड टॉपिक्स जो है जो आपको यहाँ पर समझ में नहीं आया या कुछ पूछने हैं, हालांकि आप क्लास के दौरान भी पूछते रहते हैं, पर फिर भी आप अलग से सारा नोट करके पर्टिकुलर डे में अपने डाउट क्लियरिंग सेशन वाले दिन वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस वीकली क्विज जो है वो होती हैं आपकी, हफ्ते में वीकली क्विज है तो होगी होगी। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए तो अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है, यानी कि आप किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी टीचर का अपने कोर्स में, जैसे आपने एसएससी में एडमिशन लिया है तो आप एसएससी में कोई भी कोर्स, आप जीएस पढ़ सकते हैं, रीजनिंग पढ़ सकते हैं, इंग्लिश पढ़ सकते हैं, मैथ्स पढ़ सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं आज, जब तक का आपका सब्सक्रिप्शन है अनलिमिटेड, जितना मर्जी उतना। तो दीज आर द बिग बेनिफिट्स ऑफ दिस अनअकैडमी प्लस। एंड मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे प्रेजेंट टाइम में कौन कौन से कोर्सेज हैं, कौन कौन से कोर्सेज हैं जिनसे आप बेनिफिट उठा सकते हैं। दीज आर द डिटेल्ड कोर्सेज ऑन मेडिवल इंडियन हिस्ट्री विच हैज़ बिन कम्प्लीटेड ऑन जून 28 इन द लास्ट मंथ। ये एंड हो चुका है, बट इट हैड 13 लेसन्स एंड 3 क्विजेज, और इसमें हिंदी में ये सेशन रखा गया था, और ऑलमोस्ट कह सकते हैं 1-2 लेसन्स को छोड़ दिया जाए तो सारे लेसन्स जो हैं वो इंग्लिश में भी, या कह सकते हैं बाईलैंगुअल, आपको PDF के फॉर्म में मिलते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये जो कोर्स है ना सिर्फ आपके SSC के लिए, बल्कि SSC CPO की जो लोग तैयारी कर रहे हैं, CPO की जो लोग तैयारी कर रहे हैं, या फिर UPSC की तैयारी कर रहे हैं, UPSC की तैयारी कर रहे हैं, या फिर UPPSC की तैयारी कर रहे हैं, या जो अदर स्टेट लेवल वैकेंसीज हैं उनकी अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो दिस कोर्स इज़ वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। एंड अनदर विच इज़ रनिंग राइट नाउ विच इज़ डिटेल्ड कोर्स ऑन मेडिवल इंडियन हिस्ट्री, दैट इज़ पार्ट सेकेंड ऑफ दिस पार्ट फर्स्ट विच हैज़ बिन कम्प्लीटेड ऑन 28 जून।
तो ये प्रेजेंट टाइम में रन कर रहा है, जुलाई 3 से कोर्स शुरू हुआ था एंड इट विल कंटिन्यू टिल 30 जुलाई 2020, एंड इट विल कवर 18 लेसन्स विथ 4 क्विजेज, एंड अगेन द लैंग्वेज वुड बी हिंदी एंड यू विल गेट द नोट्स इन बाईलैंग्वल, दैट इज इंग्लिश एंड हिंदी बोथ। तो ये चीज़ भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड द सेम द कोर्स इज बेनिफिटेड फॉर PSC स्टूडेंट्स एज वेल एज SSC स्टूडेंट्स। इसके अलावा स्पेशली CPO के लिए मैंने कोर्स स्ट्रक्चर किया है, बहुत ही परफेक्टली मैंने चुना है। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिलेंगी। इसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, करंट अफेयर्स भी मिलने वाला है इसमें आपको, और स्टैटिक GK का जो पार्ट है वो सब चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगा। एंड आई एम ट्राइंग टू कंप्लीट इट ऑल इन 50 आवर्स इन 2 पार्ट्स। दिस इज पार्ट 1 विच विल कवर 20 लेसन्स, 4 क्विजेज, एंड द सेशन विल बी इन हिंदी एंड यू विल गेट PDF इन बोथ ऑफ द लैंग्वेज, दैट इज हिंदी एंड इंग्लिश। सो आपको यहाँ पर ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से कि ये कोर्सेज जो है मैं आपके सामने चला रहा हूँ। अब प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको करना क्या है, academy.com पे जाना है, सब्सक्रिप्शन ऑप्शन पे क्लिक करना है, ये चार्ट आपके सामने ओपन होंगे, 24 मंथ्स पे आप क्लिक करोगे एंड देन मैंडेटरी यू विल अप्लाई द कोड। इफ यू आर अप्लाइंग द कोड VIRAT10 यू विल इंस्टेंटली गेट 10% डिस्काउंट ऑन योर कोर्स, राइट। इफ यहाँ पर आप देखिए 7200 का ये कोर्स है एंड जैसे ही मैंने यहाँ पर ये कोड अप्लाई किया इट गोज टू 6480। एंड फॉर मोर बेनिफिट्स यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन माई नंबर्स विच हैज़ बीन गिवन इन दिस डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ द वीडियो, फ्रीली यू कैन राइट इट आउट। सो आप मुझे इसके बारे में मैं कह सकता हूँ टेलीग्राम में भी आप मुझसे मिल सकते हैं, अनअकेडमी से रिलेटेड टेलीग्राम में अगर आप में मुझे पाना है तो आप विरद अनअकेडमी विदाउट स्पेस सर्च कर सकते हैं तो मैं आपको टेलीग्राम में मिलूंगा, या फिर आप ब्राउजर में t.me विरद अनअकेडमी टाइप करेंगे तो मेरा चैनल मिलेगा आपको। एंड इन जनरल आई एम इन द नेम विद द नेम ऑफ विरद दुबे, t.me/विरद दुबे विदाउट स्पेस। आप यहाँ से भी मुझसे जुड़ सकते हैं और अपनी क्वेरीज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको मेरा ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा, और अगर आपको ये पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, और साथ ही साथ चैनल की बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे अहेड।